वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और हॉल वीडियो के साथ। तो आज मैंने सोचा, मैंने बोला भी था अपने लास्ट हॉल वीडियो में कि मैंने कुछ मैक्सी ड्रेसेस मंगाए हैं मिंत्रा से ही। तो आज मैंने सोचा कि आज वो वीडियो शूट कर ही लेते हैं। तो आज मैं कर रही हूँ अपने कुछ मैक्सी ड्रेसेस का हॉल। तो वन बाई वन मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी ये जो मैंने पहना हुआ है। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मैक्सी ड्रेस नहीं है, ये एक्चुअली है मेरी ड्रेस। बट मुझे ये बहुत पिक्चर में बहुत पसंद आया था और मुझे हमेशा से ही ना एनिमल प्रिंट के जो ड्रेसेस होते हैं वो मुझे, या ड्रेस हो, शूज हो, टी शर्ट्स हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत पसंद आते हैं। इसके पीछे एक दूसरा रीज़न ये भी था कि ये एनिमल प्रिंट का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत। आप इसे पहन के सो जाओ, आपको कुछ भी फील नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल हल्का हल्का कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये ड्रेस जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और इस सारे ड्रेसेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी और इसके जितने प्राइसेस है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं वन बाई वन सिर्फ फैब्रिक दिखाऊंगी और बताते जाऊंगी कि कैसा है। और जितने भी प्राइसेस है इसके ये नीचे मेंशन में कर दूंगी। तो ये था फर्स्ट ड्रेस जो कि मुझे, इसका ये स्लीव भी मुझे बहुत पसंद है। ये जो देखिए, मैंने इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं किया है, ये देखिए पूरी तरह से फिट है और यहाँ थोड़ा सा ये लूज़ है। तो मुझे इस तरह के स्लीव्स जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप टेलर से भी बनवाओ तो इतना परफेक्ट नहीं आता जितना ये मुझे आ रहा है। मतलब ये बिल्कुल भी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। मेरा साइज़ आता है मीडियम, मैंने मीडियम साइज़ में ये पहना हुआ है और ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब मैं बात करती हूँ अपने दूसरे क्लोथ की। तो अब बात करते हैं इसकी। ये एक लॉन्ग मैक्सी ड्रेस है। अगर इस ड्रेस की बात करें तो ये ड्रेस आप देख रहे होंगे कि इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है, आपको भी देखकर समझ में आ रहा होगा, मुझे भी बहुत पसंद आया है। बट इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि, छोटी नहीं, एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इससे कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जैसे कि इसका ये आप नेक देख सकते हैं, इससे कैरी करना, मतलब कि मैंने इसके अंदर ब्लैक इनर डाला हुआ है ताकि ये जो इसका डीप नेक है ये काफ़ी, अगर, और ये लूज़ भी है जबकि मैंने इसे अपने साइज़ का मंगाया है, मीडियम साइज़ का है ये। और ये आप थोड़ा सा इसको कैरी करने अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो मैंने इसके अंदर, सबसे बेस्ट रहेगा आप भी इस तरह से पहने तो बहुत अच्छा आएगा कि आप अंदर ब्लैक इनर डाल लें जो कि आपका ये पोर्शन ऐसे ढका रहता है, तो वो हो जाएगा। और दूसरा, इसमें जो सामने से स्लिट है वो स्लिट मैं आपको दिखाती हूँ। इस ये जो स्लिट है ना, ये काफ़ी ऊपर से है, जहाँ ये, जैसे ये इसका ब्लाउज पोर्शन है, ये ब्लाउज पोर्शन, ये चीज़ यहाँ, और यहीं से स्लिट स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर है कि ये देखिए, ये इसका स्लिट है, तो इसके अंदर आपको कुछ पहनना पड़ेगा। आप लेगिंग्स डाल लो, जीन्स डाल लो, अच्छा लगेगा। मैंने ट्राई ऑन में नहीं डाला हुआ है, मैंने एक सेफ्टी पिन से इसे ये कर लिया था। लेकिन अगर इस ड्रेस को मैं रखती हूँ तो मैं, क्योंकि मुझे इसका लुक पहनने पे बहुत, इसका जो नीचे का ये जो पूरा घेर है ये बहुत ही सुंदर, कलर बहुत ही अच्छा, इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। बस इसका यही दो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको कैरी करना, अगर आप बोल्डली ड्रेसेस पहन सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप कैरी कर सकते हो अगर आप इस तरह के ड्रेसेस पहनते हो तो। लेकिन जैसे अगर मैं पहन रही हूँ तो मैं इसे ऊपर इनर के साथ और नीचे लेगिंग्स या जीन्स के साथ में, जैसे ब्लैक लेगिंग्स ही डाल लिया तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो ये ड्रेस है और सुपर कंफर्टेबल, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। और इसका प्राइस मैं एज यूजुअल मेंशन कर दूंगी पीछे। और इसका ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई स्लीव नहीं है, ये ऐसे है पूरा। और इसमें यहाँ आप इसे छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग इसका साइज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे यहाँ आपको एक पूरा चेन दिया हुआ है, जिप है, काफ़ी लंबा जिप है। ऐसे जिप की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इस तरह का जो नेक आता है, मतलब ये स्लीवलेस इस तरह के जो आते हैं, इसमें आपको जिप खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ओवरऑल ये ड्रेस मुझे पसंद आया है, मैं इसको रखने के बारे में सोच रही हूँ क्योंकि इसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये सुपर कम्फर्ट
कंफर्टेबल है। और जैसा अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, समर सीजन है, समर सीजन में आप इस तरह के ड्रेसेस जो है जो हल्के हो, कंफर्टेबल हो, आसपास जनरल आने जाने के लिए, नॉर्मल वेयर के लिए बहुत कंफर्टेबल है। आते हैं इस ड्रेस तो इस ड्रेस का कलर मुझे बहुत पसंद आया। ये भी एक मेरी ड्रेस है। ऊपर से आप इसमें पिक्चर में, वीडियो में देख सकते हैं कि ये इसका ये लुक कैसा आता है। बट मेरे साथ में इसकी एक प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने मीडियम साइज अपना साइज ही ऑर्डर किया है, बट ये मुझे थोड़ा सा लूज है। मैं पहनी हूँ तो मैं इसे फील कर सकती हूँ कि ये थोड़ा लूज है। तो अगर मुझे इसे रखना हुआ तो मैं इसका स्मॉल साइज मंगा लूंगी, क्योंकि मुझे मेरे पास इस तरह का ड्रेस नहीं था। और मेरे पास या तो शॉर्ट ड्रेसेस हैं या लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस भरे हैं। मिडी ड्रेसेस कम है, इसलिए मैंने एक दो मिडी ड्रेसेस भी मंगा लिए थे। तो मुझे ये मिडी ड्रेस अच्छा लगा, सोबर है, डिसेंट लुक दे रहा है। बट यही है कि क्या कहते हैं, ये थोड़ा लूज है मुझे, तो मुझे इसका स्मॉल साइज मंगाना होगा। अदरवाइज इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका फैब्रिक ये एक तरह से मतलब एक मीठा सा कलर है, बहुत बहुत अच्छा लीजिए। ज़्यादातर सारे स्किन टोन पे ये कलर जो है वो चला जाता है इजीली। मिंत्रा में इसका दूसरा कलर मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको हो सकता है कि अपडेट हो, लेकिन मुझे यही सिंगल कलर अवेलेबल था तो मैंने यही मंगाया और मुझे ये अच्छा लगाया। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, सबसे ज़्यादा, और उसे मैं डेफिनेटली रख रही हूँ, वो है ये ड्रेस। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसमें ये देखिए, इस तरह का जॉर्जेट कपड़ा है और इसके अंदर ये इनर दिया हुआ है, और ये सुपर कंफर्टेबल है। इसके साथ ये बेल्ट है, बट बेल्ट मैं कैरी करूँ या ना करूँ चेक नहीं किया कि ओपन होता है या नहीं, या फेक बटन है, नहीं ये ओपन हो सकता है। और ये ओपन हो सकता है तो मेरे लिए ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि मैं एक नर्सिंग मदर भी हूँ। तो मुझे क्या होता है कि इस तरह के ड्रेसेस जो सामने से ओपन होते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्ट। अदरवाइज मेरे कितने सारे मैक्सी ड्रेसेस हैं जो मैं काफ़ी दिनों से, 1 साल से मैं नहीं पहन पा रही हूँ, जबकि मुझे मैक्सी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। कहीं भी जैसे गर्मी का टाइम है, आपको जीन्स पहनने का मन नहीं है, ट्राउजर डालने का मन नहीं है, तो मैक्सी ड्रेसेस बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कैरी करने के लिए। तो मुझे अभी जितने भी मैक्सी ड्रेसेस हैं उसमें जो सामने बटन वाले हैं, सामने ओपन होता हो, वही मैक्सी ड्रेसेस मैं पहन पा रही थी। तो इसे मैं इंटेंशनली तो मैंने ऐसा चेक करके नहीं लिया था, लेकिन ये लकीली मुझे मिल गया, तो ये मेरे लिए उस वे से भी अच्छा है। इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, मीडियम साइज में। आप अगर मेरी मेरी जो हाइट है 5'3", तो मुझे एक हल्के हल्के 1.5 इंच के हील के साथ में ये परफेक्टली जा रहा है। आप इसे स्लीपर के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और इसका कलर इससे पहले वाले ड्रेस का कलर कुछ कुछ सिमिलर है, बट ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉरी और भी ज़्यादा मीठा कलर है, और मुझे बहुत ज़्यादा इसका कलर पसंद आया है। तो ये वाला जो ड्रेस है इसे मैं डेफिनेटली रख रही हूँ। और एज यूजुअल ना इसके प्राइस, इसका प्राइस भी आप इसमें देख लीजिएगा, मैं इसका प्राइस मेंशन कर दूंगी। और यहाँ देखिए, इसके पीछे इस जगह पे इलास्टिक दिया हुआ है कि अगर आपके यहाँ सामने का जो ये पोर्शन है ये अच्छी फिटिंग आए इसकी। और आप वीडियो भी देख सकते हो कि ये जो सामने का लुक है वो बहुत ही सुंदर आ रहा है। तो इसका ये ड्रेस जो है, ये ड्रेस भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसके बाद आते हैं इस वाइट ड्रेस पे। वाइट ड्रेस लेने से थोड़ा सा मैं कतराती हूँ, क्योंकि एक बार गंदा हो जाए, ये हो जाए, तो फिर उसके बाद वो उसका लुक खत्म हो जाता है, अगर ज़्यादा वॉश करे तब भी चला जाता है। बट ये अगर आप समर में पहनने के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो वाइट के हिसाब से ये फ्लोरल प्रिंट में ये मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया। सुपर कंफर्टेबल है, और इसका भी सामने से आप लुक देख लो, सामने बटन है और ये भी ओपन हो सकता है। मैंने ये सारी चीज़ें चेक नहीं की थी, ये भी ओपन हो सकता है, शो बटन नहीं है, तो ये भी मैं रखने ही जा रही हूँ। तो इसे ये बहुत हल्का है, पूरा प्योर कॉटन है, और कॉटन के बाद इसमें अंदर इनर भी दिया हुआ है, ये भी कॉटन है। और इसका जो ये प्रिंट है पिंक में,
पिंक और ग्रीन में फ्लावर्स बने हुए हैं, तो मुझे ये ड्रेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इसे देख सकते हैं कि वीडियो में ये कैसा आ रहा है, और इसे आप स्लीपर के साथ बहुत इजीली डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि नीचे आपकी एड़ी के नीचे जा रहा हो, इस तरह का भी ड्रेस नहीं है। ये थोड़ा सा ऊपर, थोड़ी इसकी जो लेंथ है थोड़ी ऊपर ही है, तो आप इसे स्लीपर के साथ बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो समर में एक ये बहुत कंफर्टेबल आपका आउटफिट रेडी हो जाएगा स्लीपर के साथ में। आप इसके साथ वाइट पिंक स्लीपर वगैरह भी ले सकते हैं, तो ये बहुत सुंदर जाने वाला है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया है और इसे भी मैं रखने जा रही हूँ। उसके बाद आता है ये एक ब्लैक मैक्सी ड्रेस। ये आपने ना मुझे किसी दूसरे एक वीडियो में देखा होगा पहना हुआ। मैंने जब मंगाया था तो इसे मैंने एक दो बार पहन लिया है, तो इसका टैग वैग निकल गया, इसे एक दो बार मैंने पहन लिया है। तो ये लिबास का मीडियम साइज़ के हैं। लिबास के कपड़े अगर आप देखोगे तो खासकर इंडियन प्रिंट वाले जितने भी लिबास के कपड़े बहुत ही अच्छे होते हैं, आप आँख मूंद कर ले सकते हैं। तो ये भी, इसे मैंने एक बार वॉश भी कर लिया है। तो एक ये देखिए, ये पूरा प्योर कॉटन है, ब्लैक कलर में है। इसके ऊपर जो ये प्रिंट है ना, गोल्डन के झुमके टाइप के बने हुए हैं, मुझे एक्चुअली ये चीज़ ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज थी इसके इस तरह के स्लीव को लेके। मैं जनरली इस तरह का स्लीव नहीं पहनती हूँ, तो बट मुझे इसका प्रिंट अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं मंगाती हूँ, अगर सही नहीं होगा तो मैं रिटर्न डाल दूंगी। बट इसका स्लीव भी, इसकी फिटिंग जैसी आई है, वो ऑड नहीं लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर। मैंने फर्स्ट ये मेरा फर्स्ट कुर्ती या टॉप में से पहला है जिसमें मैंने इस तरह का स्लीव जो है, कट स्लीव जो कहते हैं, ये मैंने लिया है और मुझे पसंद आया है। तो और इसका सामने इस तरह से एक छोटा सा हुक सा दिया हुआ है। इसका गला भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा है। और इसकी लेंथ भी ऐसी है कि आपके नीचे हील्स को टच नहीं करेगी, आप इसे स्लीपर के साथ बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं। मेरा साइज जो है वो मीडियम है, मैंने मीडियम पहना हुआ है, और 5'3" हाइट के साथ में ये आप इसकी लेंथ वीडियो में देख सकते हैं। तो अगर आपको ब्लैक कुर्ती लेना है कुछ, और ये आप छोटे मोटे पार्टी वेयर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और जनरल वेयर में भी, क्योंकि इसका जो प्रिंट है, अगर आप इस तरह के इसमें झुमका झुमका वगैरह कैरी कर लो तो ये एक पार्टी वेयर लुक भी आपको दे सकता है। तो मिला जुला कर ये कुर्ती भी तो डेफिनेटली मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने इसे एक दो बार पहन भी लिया है, तो इसे तो मैं डेफिनेटली रख रही हूँ। उसके बाद जो लास्ट कुर्ती है वो है ये येलो। इसका जो लुक है वो बाकी सारी कुर्ती से डिफरेंट है। ये पीछे से आपको फुल लेंथ मैक्सी ड्रेस का लुक देता है, और सामने से ये एक मिडी ड्रेस का लुक देता है। तो आप इसको देख सकते हैं वीडियो में कि इसका लुक कैसा आ रहा है, और ये बिल्कुल डिफरेंट लुक है, मुझे इसका यही पसंद आया है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ज्वाइंट है और ये बिल्कुल अलग ऐसे ओपन हो जाता है, और एक दूसरा उस साइड जो है वो इधर से ऐसे ओपन हो जाता है। ये इस तरह से है, और अंदर येलो कलर का ये इनर दिया हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको पहनने में चलने में ये ओपन हो जाएगा और आपकी आपके मतलब ओपन हो जाएगा और आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं इसे पहन के इजीली चल रही हूँ, और ये समर के लिए सुपर मतलब मुझे बहुत पसंद आया है। ये कलर टोटल समर कलर है, इसमें पूरा आप फ्लोरल बड़े बड़े प्रिंट देख सकते हैं। इसका कलर जो है मतलब ब्राइट येलो, और ये आप किसी भी कलर टोन पे बहुत अच्छा जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि अगर स्किन फेयर नहीं है तो अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा स्किन भी बहुत फेयर नहीं है, और मुझे मैंने जब इसे ट्राई किया तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले। और इस ये स्लीवलेस ही है, इसके साथ कोई स्लीव नहीं है, कोई स्लीव नहीं आया है। इसका साइड में यहाँ पर यहाँ इसके साइड में चेन दिया हुआ है, ताकि आपको पहनने में फिटिंग इजीली आप इसे पहन सको। और उसके बाद स्लीवलेस है, और पीछे ये एक बटन है जिसे आप खोल सकते हैं। सामने इसमें कोई बटन ओपन करने के लिए कोई बटन नहीं है। और ये जो है मीडियम साइज़ में एथेना लाइफस्टाइल का जो है ये क्लोथ है, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो मैं जितने भी मैंने ये मंगाए हैं हॉल के लिए ये कुर्तीज, इसमें से मोस्ट ऑफ द कुर्तीज जो है मैं रखने वाली हूँ, कुर्ती नहीं सॉरी मैक्सी ड्रेस,
मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे समर के लिए ड्रेसेस लेने थे। पुराने जितने भी हैं मैं उसमें से बहुत सारी जो ड्रेसेस है उसे डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो इसमें से मुझे बस दो को लेके मैं कंफ्यूज हूँ। एक तो मुझे एक्सचेंज करना है क्योंकि उसकी जो उसका जो साइज़ है वो मुझे लूज है, और एक है जो कैरी करने में थोड़ा सा, तो वो मैं सेकेंड थॉट लूंगी। अगर मुझे रखना होगा तो मैं रखूंगी, अदरवाइज मैं सारे अपने जितने भी मैक्सी ड्रेसेस हैं वो मैं रख रही हूँ। तो ये हो गए सारे मेरे ड्रेसेस। तो आपको कैसा लगा, कौन सा ड्रेस है जो आपको बहुत अच्छा लगा, आप कौन सा मुझ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, किसका कलर अच्छा था, फिटिंग अच्छी थी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताएं। और आगे मैं किस तरह का हॉल लाऊं, ये भी किस तरह के हॉल वीडियोस शूट करूं, वेस्टर्न इंडियन, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। मैं फिर से इस तरह के किसी हॉल वीडियो के साथ आप लोग के साथ जरूर मिलूंगी। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहाँ एंड, और फिर मैं मिलती हूँ किसी एक नए हॉल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट कर प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।